हेलो फ्रेंड्स, विराट हियर एंड यू आर वाचिंग विराट जी के पॉइंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं विराट डेली मॉर्निंग में 5:30 पर आप सबके लिए रेगुलर करंट जीके की क्लास के साथ उपस्थित होता हूं, तो जिसमें मैं ऐसे 50 से 60 ऐसे फैक्ट्स क्लियर करता हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह के रेगुलर वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल विराट जी के पॉइंट्स को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा T20 रन, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, वनडे T20 टेस्ट टीम फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता है, तो T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। भाइयों, इन्होंने अभी अभी सुरेश रैना को पीछे छोड़ा है, तो कितने रन बना चुके हैं अभी तक ये T20 में? 8,416। या भाइयों, 8,416 रन बनाकर विराट कोहली नंबर एक पे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 8,392 रन बनाकर सुरेश रैना दूसरे स्थान पे हैं। सुरेश रैना को पीछे छोड़कर विराट कोहली एक नंबर पे मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। आप सब देख सकते हैं, 8,416 रन विराट कोहली जी ने बनाया है, 8,392 रन सुरेश रैना जी ने बनाया है। चलिए भाइयों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। उसके पहले आप सबको बता दें, अगर हमारी वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए भाइयों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस, दोस्तों ये अगस्त माह का सबसे लगभग महत्वपूर्ण दिवस होता है, तो आप सबको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। आज ही के दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। आज ही मतलब 6 अगस्त के दिन ही हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, इसीलिए इस दिवस को हिरोशिमा दिवस के नाम से जाना जाता है। आप सब देख सकते हैं, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट, आप सबको बता दें कि हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। जी हाँ भाइयों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। 3 दिन बाद ही अमेरिका ने पुनः नागासाकी पर भी एटम बॉम्ब गिराया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम आप सबको याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाइयों ये दिवस के रूप में। अब अगस्त माह का सबसे लगभग इम्पॉर्टेंट दिवस है, तो नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका नाम फैटमैन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेवा स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, राजस्थान में भाइयों, जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई स्काउट। इस स्काउट प्रतियोगिता में 8 देश भाग लेने वाले हैं भाइयों। आप सबको बता दें कि इस सैन्य अभ्यास में स्काउट प्रतियोगिता में 8 देश भाग लेने वाले हैं। हमारा देश भारत, चीन, रूस, बेलारूस, अर्मानिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा सूडान, ये 8 देश मिलके स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में माइंडट्री लिमिटेड के MD एंड CEO किस व्यक्ति को बनाया गया है? आप सबको बताना है, माइंडट्री लिमिटेड के MD और CEO के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष चटर्जी। या भाइयों, देवाशीष चटर्जी को माइंडट्री लिमिटेड का MD एंड CEO बनाया गया है। यह एक IT कंपनी है, भारत की यह एक IT कंपनी है। तो आप सबको बता दें कि बात माइंडट्री की हो रही है, तो माइंडट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। या भाइयों, 1999 में माइंडट्री कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इस समय पे कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान चेयर हैं कृष्ण कुमार नटराजन। या भाइयों, कृष्ण कुमार नटराजन इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। आप सब देख सकते हैं देवाशीष चटर्जी जी को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका आंसर आप सबको बताना है, टेस्ट क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल स्टेन। डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेल स्टेन जी साउथ अफ्रीका के फास्टर बॉलर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप सबको बता दें कि इन्होंने अपने पूरे इतिहास काल में 93 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 439 विकेट लेने में सफल हुए हैं। 439 विकेट इन्होंने लिया है, 439 विकेट लेने में सफल हुए हैं। आप सबको दिखाते हैं डेल स्टेन जी को, यही है डेल स्टेन जी। तो बात हम दोस्तों साउथ अफ्रीका की कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका को मैप में चलिए देख लेते हैं। मैप में साउथ अफ्रीका यही है। तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? कोप टाउन। ये लेजिलेटिव टाइम के लिए है कोप टाउन, और प्रोटोरिया जो है दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव टाइम के लिए है। एग्जीक्यूटिव टाइम के लिए प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है, तथा कैप टाउन लेजिलेटिव टाइम के लिए कैप टाउन इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो कैरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दे दिया है? या भाइयों आप सबको बताना है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दे दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। या भाइयों चीन को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दे दिया है अमेरिका ने। एक करेंसी मैनिपुलेटर लेबल क्या है आप सबके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करेंसी से हेर फेर करने वाला देश घोषित कर दिया है। इसका साधारण शब्द में इसकी परिभाषा है, करेंसी से हेर फेर करने वाले देशों की सूची में अमेरिका ने चीन को शामिल कर दिया है। चीन क्या करता था भाइयों? चीन का एक काम था कि वो ट्रेड में फ़ायदा लेने के लिए अपनी करेंसी के लेबल को, करेंसी की जो अंतर्राष्ट्रीय भाव था उसको बढ़ाता घटाता रहता था चीन ट्रेड में फ़ायदा लेने के लिए। इसी कारण अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दे दिया है। तो बात हम चाइना की कर रहे हैं, चाइना की। तो दोस्तों आप सबको चाइना को मैप में दिखा दें। तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची नदी अंतःक्षेपण परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार कोसी मेची नदी अंतःक्षेपण मतलब एक दूसरे को मिलाने का कार्य किया जाएगा, एक दूसरे को आपस में जोड़ा जाएगा, इसका कार्य किया जाएगा बिहार राज्य में। बात यहाँ कोसी नदी की आती है। कोसी और मेची दोस्तों आप सबको बता दें, कोसी और मेची दो नदियाँ हैं जिन्हें आपस में लिंक किया जाएगा, जिससे सिंचाई विभाग में सिंचाई करने में फ़ायदा होगी। ये 4900 करोड़ रुपए की परियोजना है। 4900 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसे अभी अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है। तो बात जब कोसी नदी की आती है दोस्तों, तो आप सबको बता दें कोसी नदी बहुत ही फेमस नदी है। इसे बिहार के शोक के रूप में, बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। तो बात यहाँ अंतःक्षेपण की चल रही है भाइयों, तो आप सबको बता दें इंडिया की पहली नदी लिंक परियोजना जो थी वो केन और बेतवा नदी के बीच में अंतःक्षेपण थी। या किस राज्य में थी? या मध्य प्रदेश राज्य में केन और बेतवा नदी के अंतःक्षेपण का परियोजना भारत में सर्वप्रथम लाया गया था, प्रथम बार ऐसा हुआ था। अब दूसरी बार कोसी और मेची नदी का अंतःक्षेपण होगा जिससे सिंचाई करने में किसानों को फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। अच्छा बात बिहार की कर रहे हैं, तो बिहार को आप मैप में देख सकते हैं। तो बिहार की राजधानी कहाँ है आप सबको बताना है। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम इस समय कौन है? तो बिहार के सीएम इस समय है नीतीश कुमार जी। बिहार के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं फागू चौहान जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में आईएएस अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में आईएएस अधिकारी
अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में इसका इस परियोजना का आरंभ किया गया, आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है दोस्तों कि IIS का फुल फॉर्म क्या होता है। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन से यह याद रखना है, तो IIS का फुल फॉर्म होता है इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस IIS का फुल फॉर्म होता है, जिसका वार्षिक आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो IIS अफसरों को आप सब देख सकते हैं। इसका कार्य क्या है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स की पहल की है? जी भाइयों, मिशन शक्ति स्पोर्ट्स की पहल की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभिनेता आमिर खान ने महाराष्ट्र राज्य में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर भाइयों सभी प्रकार के एथलीट्स की ट्रेनिंग होगी, यहाँ एथलीट्स को ट्रेन किया जाएगा जिससे स्पोर्ट के क्षेत्र में भारत में क्रांति आ सके। तो आप आमिर खान को देख सकते हैं यहाँ पे। बात अभी हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र को भारत के मैप में देख सकते हैं भाइयों। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी। यहाँ के गवर्नर वर्तमान समय के कौन हैं? तो सी विद्यासागर राव यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट सिग्नल को लॉन्च कर दिया? जी हाँ भाइयों, आप सबको बताना है हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल को लॉन्च किया है। 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल को लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 3D स्मार्ट सिग्नल का ट्रैफिक सिग्नल का को लॉन्च किया है। 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल क्या है भाइयों, आप सबको बता दें। तो इसके अनुसार अभी तक हर तरफ मतलब 90 सेकेंड्स पे हर तरफ ग्रीन लाइट जल जाती थी, जिससे हमारी ट्रैफिक आसान थी, बशर्ते इससे भी आसान तरीका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोच के निकाला है। इसके थ्रू क्या होगा दोस्तों? तो इसके थ्रू होगा क्या कि जिस साइड मतलब चौराहे के जिस साइड ज़्यादा नंबर ऑफ गाड़ियाँ होंगी, मतलब काउंट कर लेगी वो मशीन कि जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ गाड़ी है, उसी तरफ के सिग्नल को ग्रीन किया जाएगा सर्वप्रथम। उसी के अनुसार ट्रैफिक में सुविधा होगी। चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लांचिंग और आनर किलिंग के खिलाफ बिल पास कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग तथा आनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित कर दिया है। अब राजस्थान में मॉब लिंचिंग करने पर आजीवन कारावास तथा 5,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा भाइयों, तथा आनर किलिंग पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसी व्यवस्था को राजस्थान की विधानसभा ने अभी जल्द में पारित किया है। तो मॉब लिंचिंग करने पर आजीवन कारावास तथा 5,00,000 रुपए का जुर्माना तथा आनर किलिंग करने पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं भाइयों, तो राजस्थान को मैप में देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर की को एक बार और बता दें आप सबको भाइयों, अभी जल्द ही में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ की कैपिटल हो गई जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM है अशोक गहलोत जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं कल्याण सिंह जी। चलिए दोस्तों कल के उत्तर की तरफ बढ़े चलते हैं। हाल ही में स्कूल न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर स्कूल न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट की मेज़बानी कर रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा किया जाएगा। उदयपुर में 500 ऐसे शिक्षकों को बुलाया जाएगा
जो एजुकेशन के इनोवेशन के बारे में बात करेंगे तथा एजुकेशन को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है उस बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी बढ़ेगी। चलिए भाइयों, कल के क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलते हैं, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में हंगेरियन ग्रां प्री किसने जीती है? जी हाँ भाइयों, आप सबको बताना है, हंगेरियन ग्रां प्री जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रां प्री होती है, सभी ग्रां प्री की लिस्ट हमने आपको अगली वीडियो में दिया था, तो आप सबको बताना है हंगेरियन ग्रां प्री किसने जीती है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, आप सबको बता दें यदि आपको ये वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल विराट जी के पॉइंट्स को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक